भुइया ना छोड़ जवैया ते धीरा बेकारे। आखिर दोस्तों, मोर छैहा भुइया टू फिल्म में एक्टर अनुज शर्मा को क्यों नहीं लिया गया है, जबकि दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट मोर छैहा भुइया में पुराना एक्टर होने के बावजूद भी इस फिल्म में अनुज शर्मा को क्यों नहीं लिया गया, ऐसा क्या कारण है? क्या सतीश जैन और अनुज शर्मा के बीच झगड़ा हो गया है आदि, इन सभी बातों का वजह जानकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की सिर्फ एक ही वीडियो में इस फिल्म में अनुज शर्मा सहित और पुराने सितारे को नहीं लेने का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, तो बने रहें दोस्तों वीडियो में बिल्कुल पूरा लास्ट तक। तो दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। जैसा कि दोस्तों साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म मोर छैहा भुइया फिल्म राजधानी की बाबूलाल टाकीज में रिलीज किया गया था, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की इतिहास में 27 अक्टूबर का दिन हर किसी को याद होगा, क्योंकि इसी दिन अब तक की सबसे बड़ी फिल्म की बात पर मोर छैहा भुइया ही सबसे बड़ा फिल्म रिकॉर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुआ था। और दोस्तों, इस फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में शेखर सोनी, जागृति नायक, अनुज शर्मा और उनका पूरा ग्रुप टीम आदि, इन सभी लोगों ने मिलकर इस फिल्म मोर छैहा भुइया में अभिनय किया था। और दोस्तों, आज इस फिल्म का दूसरा पार्ट मोर छैहा भुइया टू फिल्म बनाया गया है, जिसमें स्टार कास्ट के रूप में मन कुरेशी, दीक्षा जायसवाल, एल्सा घोष, दीपक साहू आदि नए एक्टर एवं एक्ट्रेस इस फिल्म में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस फिल्म में पुराने सितारे को क्यों नहीं लिया गया है। तो बता दे दोस्तों, इसका कारण यह भी हो सकता है कि अब तक उन सभी लोगों का रंग रूप, शरीर सब बदल गए होंगे, इसलिए नए सितारे को लिया गया होगा। और दोस्तों, बात करते हैं कि अनुज शर्मा को क्यों नहीं लिया गया है। तो बता दे कि अनुज सर फिल्म लाइन को छोड़कर राजनीति दल में कदम रख चुका है, इसलिए नहीं लिया गया है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दिया गया था और सामने चुनाव है, इसलिए नहीं लिया गया होगा। प्राप्त सबूतों के हिसाब से यह भी पता चल रहा है कि इस फिल्म के लिए निर्देशक सतीश जैन ने अनुज शर्मा को पूछा ही नहीं है। इन सभी सवालों का अभी कोई पुख्ता सबूत अपलोड नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या कहना है कि इस फिल्म में अनुज शर्मा को लेना चाहिए था कि नहीं, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना।